हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहे। आज मैं फिर से आपके सामने लंच की कंप्लीट थाली लेकर आई हूँ। चलिए तो देखते हैं। तुम उधर चल रही थी, आलू पटर के सब्जी बना दिए, पटल भूंज लिए लाल करके, इसके बाद आलू भूंजे, कच्चा आलू है। हाँ, कच्चा आलू क्या जो है। इसके बाद उसको मसाला भून के उसको तो बंद करने जा रहे हैं। ये एक नया नेनुआ के सब्जी बना रहे हैं, इसको देखो। ये सब्जी नहीं, भुंडिया टाइप के होगा नेनुआ। और क्या बोलते हैं इसको? तिरोई बोलते हैं। हाँ, तिरोई ही बोलते हैं। इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे, भूंज के जब भूंज आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं भूंज लेंगे, तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा मसूर दाल डालेंगे धो के, लाल वाला। ये क्या बनाएंगे? अरे ये तो नया चीज बनाए हैं, ये तो बताना चाहिए था। ये तो बहुत फायदा करता है, नीम के ऊपर वाला कोमल पत्ता है थोड़ा सा। अच्छा। इसके बाद थोड़ा सा ये काट दिए आलू पतला पतला। अच्छा। एकदम जैसे लगता है कि करेली के और आलू के भुंजिया है वो तरीका से। अब फायदा बहुत ज्यादा है, तीता लगेगा कि? तीता लगेगा खाने में, नहीं भुंजा गया तो नहीं लगेगा, लेकिन खून को साफ करता है। एकदम ओरिजिनल दवा है ये, इसको खाना चाहिए एक दो बार। कितना लोग तो इसको काट के पकौड़ी बना देते हैं। अच्छा। लेकिन हमको ज्यादा गैस होता है, इसलिए हम थोड़ा सा तेल में दो ठो आलू और थोड़ा सा नीम के पत्ता है ऊपर वाला कोमल पत्ता, उसका भुंजिया भुंजे हैं। इसके साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हमको थोड़ा सा भी नहीं। अगर आप लोग को नीम का भुजिया का कंप्लीट रेसिपी चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूंगी। मसूर दाल मिला के इसको ऑयल होने लगा, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन बिना प्याज लहसुन के फर्स्ट क्लास के आलू पटल के सब्जी तैयार होगा। मसाला में क्या क्या डालते हैं? मसाला में क्या डालते हैं? जीरा मिर्च पिसके एक ठो टमाटर डाल दिए हैं, हल्दी है, नमक है, और क्या? ये देखो, सरसों नहीं डाले। नहीं, सरसों नहीं उसमें डाले हैं। ये देखो आम काटे हैं। परवल की सब्जी का रेसिपी मैं पहले भी शेयर की हूँ, तो जो भुनने का प्रोसेस है उसी प्रोसेस से भुना जाएगा। परवल अलग, आलू अलग, और फिर मसाला भून के फिर मिक्स करके साथ में प्रेशर कुकर में कुक कर दिया जाएगा। क्या डाल रही है? इसमें जीरा मिर्च पीसा हुआ है, हरा मिर्चा है, थोड़ा सा टमाटर है आधा पीस। अरे टमाटर को पत्ते निकल उतना ज़्यादा थोड़े डलाता है। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, इतना हल्दी पाउडर डाल दिए, नमक हल्का डाल दिए, इसमें कुछ डाला दे। तो दाल है मसूर दाल, ऐसे क्या लोग बोलते हैं? मसूर दाल ही बोले, मसूर दाल बोलते हैं, लेकिन ये बनने पर हम लोग लफड़ा करते हैं इसका। सब्जी को लफड़ा इसका नाम लफड़ा है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हाँ, ये तो अच्छा लगता है खाने पर, एकदम रोटी साथ तो और अच्छा ही लगता है। एक तो चावल का आइटम बना रही है, एक तो रोटी का आइटम बना रही है। दोनों बन गया करता है, रोटी भी बनेगा चावल भी बनेगा। आज तो लेट हो गया नाश्ता का, कर लिया नाश्ता होता है, क्या करें, आदमी के बैठने में तो बैठना पड़ता है ना। थोड़ा सा पानी दो तो उसमें से, कढ़ाई में दाल पक जाएगा। ये 5 मिनट में पकेगा, ये कढ़ाई में ही बन जाएगा। हाँ, ये कुकर में नहीं बनता है, मसूर दाल है, बहुत जल्दी होता है। ये चना दाल है दोनों, ये सब खाया जाता है, ये सब शहरी आइटम नहीं है, ये सब गांव का आइटम है, समझ गए? अच्छा। हम गांव से भी बिलोंग करते हैं ना, इसलिए हमको ये सब बनाने में मन लगता है। ये क्या है? थोड़ा सा गरम मसाला है, चूंकि पटल खोल दिया। आपकी सब्जी का बात ही अलग, उस दिन हम भी बनाए थे, इतना मेहनत से बनाए, मगर ये कलर नहीं आया था, हल्दी लगता है कम डाल दिए थे। नहीं हो सकता है,
रहते हैं। ये सब्जी भी हो गया, इतना बूढ़ी में तीन चूल्हा संभाल रहे हैं। दूध भी खोल गया मेरा, फेंकेगा भी देखिए, पूरा फेंकने वाला नहीं बिगेगा ना, मेरा अंजाद है, कैसे बिक देगा। देखिए उधर बॉयल हो रहा है, देखिए हो रहा है, बिगेगा नहीं, देख लो तुम। देखो अभी सब्जी तैयार हो गया, अभी भी सब्जी इतना जल्दी दाल पक गया, हो गया फर्स्ट क्लास का हो गया। देखो अभी इसमें उजलेंगे इसको, देखो दाल कितना गल गया दाल। अब चलिए आम के गुरम्मा बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। डलाता है मैं आम में बहुत हल्का से घी, लेकिन तुम लोग के खाना नहीं है इसलिए रिफाइंड डाले हैं थोड़ा सा, आधा चम्मच। और इसमें सौंफ का फोरन पड़ता है, अच्छा सौंफ है। इसके बाद थोड़ा सा सूखल मिर्चा के पाउडर पड़ेगा। इतना याम वाला टेस्टी होता है ना मैया, रोटी तो इतना आराम से खाता है आदमी, इसमें पापा के तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमको भी अच्छा लगता है, देखी ना, देखो हल्का से फोरन जल गया, बहुत ज्यादा नहीं सौंफ को जलाना है। ये देखो अभी पड़ गया, इसमें हो जाएगा नहीं, इसमें खाली भूंजना है ना थोड़ा सा, इसको भून के कुकर में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एक सीटी दे देगा, फट दे हो जाएगा। सीटी लगा के बनता है, लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसे एक घंटा खोला ना पड़ेगा, आधा घंटा। पापा के गलल ना अच्छा लगता है। और दो चम्मच अभी आटा भूनेंगे, भून लेंगे ना, तो इसी में आटा भूनेंगे दो चम्मच। जब दोनों भूंजा के तैयार हो जाएगा, कितना भून जाएगा लाल होने तक ना, बस थोड़ा सा इसका पानी मैंने कम छूटता है भून देने से, ऐसा भूंजा जाएगा पाँच मिनट। इसके बाद आटा भूनेंगे, पाँच मिनट भून जाएगा, पाँच मिनट तो हो ही जाएगा, बुझा भी गया, लेट हो गए हम, लेट हो गए ही। वो बाहर में आ गई ना पोलियो ड्रॉप वाली, हमें कह रही है कि तुम यहाँ पे नहीं रहती हो क्या, बोले कि यहीं पे जन्म हुआ, हम ही नहीं रहते तो कह रही है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बोले कि हम आपको बोले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आटा भूनना है, मगर तेल कम लगता है ना इसमें, तेल लग भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा खाली चिकन, देखो थोड़ा सा आटा इसका आधा डालेंगे, बस बच गया दो चम्मच के बराबर। आओ का थोड़ा सा लाल करके भूंजा जाएगा, और इसको फिर लाल होने तक उसी में पानी डालिएगा कढ़ाई में ना। आटा जब हलवा की तरह बिल्कुल परफेक्ट भुना जाएगा तो जिस प्रेशर कुकर में माँ आम को रखी है भून के, उसी में आटे को डालेंगी और आम और आटे को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके बाद जो ये गुड़ पहले से फुला के रखी थी उसे अच्छे तरीके से घोल लेंगी, या घोलने के बाद छन्नी में छान देंगी ताकि गुड़ में जो कचड़ा हो वो कचड़ा गुरमे में ना जाए, और इस तरीके से डाल के खौलाने के बाद एक सीटी तक कुक करेंगी। इसको खोलते जितना देर, अगर ओपन बनाते तब 10 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा हर चीज के मैया शॉर्टकट निकाल लेती है। है ना, देखे कितनी सी बर्तन लेता है, अगर यही हम लोग करते, हम दीदी कोई भी करता तो पूरा सिंक भर जाता इतना आइटम है। सब्जी बन गया ना, हाँ जी ये भी बनेगा तो चार हो जाएगा। आटा गुथिए ली, आटा गुथिए दिए, बढ़िया है। वैसे दीदी से कम हम बर्तन गंदा करते हैं, तो ना दिन भर हम धोते रहते हैं चर्चर को, इसलिए मेरा मामी का बर्तन दिन भर धोता है, तो वो ऐसा एक सिंक नहीं जमा करते हैं। अरे मैं जब धोना ही है तो इकट्ठा धोइए, बार बार का हाथ गंदा करते रहना, एक बार लेके इतना भार क्यों बटोरे, ज्यादा लेके चलेंगे तो माथा पर गरु होगा, अच्छा थोड़ा सा लेंगे तो पुट दे पहुंच जाएंगे। चार गो कप धो लिए तो कम ना हो गया चार गो,
बोल। एक चीज भुला गए ना, नमक भी पड़ता है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, कहे की तुम तो मीठा तो गाढ़ा होते जा रहा है। हाँ तो गढ़े ना बनता है, रोटी में खाया जाता है तो कैसे खाएगी। पानी जैसा बहुत ज्यादा गढ़ा नहीं होगा, इतना ही। हाँ बस और पकेगा तो और गढ़ा होगा, इसमें पानी मिला दीजिए। क्यों, अब अथी नहीं ना होगा, अब सीटी दे देंगे हम, गल जाएगा, इसीलिए ना रोके थे कि खोल जाए। नमक डालिए, नमक डालिए ना तो फिर भूल जाइएगा। अचानक याद आया कि नमक भी डालना है, सिंदा नहीं मैं है। हाँ बस थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च हो गया काम खत्म। इसका मिक्स कर देती ना, नहीं मिक्स करके घंटों के काम मिनटों में। और ये देखिए एक सिटी में तैयार। नहीं ज्यादा गाढ़ा हुआ ना, कैसे हो जाएगा अंदाज से डाला हुआ है तो। गर्तन भी धुल गया, अब कुछ नहीं मिक्स करना इसमें। तैयार, काम खत्म। नमा, अब बस रोटी और चावल बनना है, गेम ओवर। इसके बाद मैं रोटी बना ली और चावल बना ली। कम्प्लीट, आज का कम्प्लीट लंच है, रोटी चावल नीम के पत्ता और आलू का भुजिया, नेनुआ और मसूर दाल का सब्जी कहिए, लफड़ा कहिए, जो कहना है कहिए वो, आलू परवल का सब्जी और ये गुरम आम का कम्प्लीट फूड। इसी के साथ आज का थाली कंप्लीट हो गया। अगर आज का थाली आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अभी एडिट कर रही थी तो सोची कि यहीं पे अपना जो भी डालना है डाल दूं, इसलिए सोई सोई डाल दी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।